खाना खाने के बाद गैस, कब्ज या पेट का खराब होना आम बात है, लेकिन अगर ऐसी समस्या अक्सर होती है तो इसका मतलब है कि आप पाचन तंत्र से कमजोर है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जिसमें से एक है कि आप सही से बैठ के खाना नहीं खाते हैं। देखिए, किसी किसी लोगों की आदत होती है कि वह काम करती हुए या फिर मेज पे या फिर जो है वो खड़े खड़े ही खाना खाने लगते हैं, तो ये जो खाना आप खाते हैं ये बहुत ही गलत खाना खाते हैं, क्योंकि आयुर्वेद के अनुसार हमारे शरीर को भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करने में उचित वातावरण की ज़रूरत होती है। इसलिए हमें खाना हमेशा जो है वो बैठ कर ही खाना चाहिए, जिससे कि हमारा जो पाचन तंत्र है वो थोड़ा एक्टिवेटेड रहे, जिससे कि हमारा जो पाचन शक्ति है वो भी हमारी बढ़ने लगे। इसलिए हमेशा आपको खाना जो है वो बैठ कर ही खाना चाहिए। अब मैं इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कि यहाँ पे मैं 3-4 ऐसे यूजफुल टिप्स बताने वाला हूँ जिनसे कि जो है आप अपनी पाचन शक्ति को यहाँ पे इंक्रीज कर सकते हैं। सबसे पहला टिप्स तो यही है कि आप जो खाना खाते हैं उस खाने को आप चबा चबा कर खाएं। अक्सर लोगों की आदत होती है कि वह जल्दी जल्दी खाने के चक्कर में भोजन को अच्छी तरह से चबाते ही नहीं है, इससे खाना आसानी से पचता नहीं है। इसलिए बेहतर है कि आप खाने को चबा चबा कर खाएं, इससे पाचन शक्ति मजबूत होती है और पेट से संबंधित कोई भी बीमारी जो है आपको नहीं होती है। हमेशा जो है आपको गुनगुना पानी पीना चाहिए। पानी शरीर के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ों में से एक है। इसका सेवन हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है और शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालता है। वैसे सामान्य पानी पीने से बेहतर है कि आप गुनगुना पानी अगर पीते हैं तो इससे आपको पाचन शक्ति मजबूत करने में बहुत मदद मिलती है। आप नींबू पानी भी पी सकते हैं, यह भी पाचन शक्ति को मजबूत बनाने में सहायक होता है। अगर आपको अपनी पाचन शक्ति को स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको विटामिन सी से भरपूर आहार लेने चाहिए। विटामिन सी से भरपूर खाद्य पदार्थों के सेवन से पाचन शक्ति तो मजबूत होती है, इसलिए अपने आहार में विटामिन सी युक्त पदार्थ जैसे ब्रोकली, संतरा, कीवी और स्ट्रॉबेरी और भी जो फ्रूट्स वगैरह होते हैं वो आप शामिल कर सकते हैं। पाचन शक्ति मजबूत होने में बहुत मदद मिलती है। हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें कि यहाँ पे आपको जो है वो ज़्यादा खाने से बचना चाहिए। किसी किसी लोगों की आदत होती है कि वह एक ही बार में जो है वो ढेर सारा खाना लेकर बैठ जाते हैं, जबकि ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। इससे खाना पचाने में दिक्कत हो सकती है, साथ ही पेट संबंधित कई तरह की बीमारियां और परेशानियां भी हो सकती है। इसलिए थोड़ा थोड़ा करके खाएं और ऐसे आहार का सेवन करें जो पचने में आसान हो। इसलिए आप जो है वो इस तरह से अगर आप ये कुछ टिप्स मैंने जो बताए हैं इनको फॉलो करते हैं तो इनसे आप जो देखेंगे कि धीरे धीरे जो है आपकी जो पाचन शक्ति है वो एक्टिवेटेड रहेगी और पाचन जो शक्ति है वो भी यहाँ पे बढ़ने लगेगी, जिससे कि आपका जो खाना है वो अच्छी तरह से पचने भी लगेगा। तो ये कुछ टिप्स थी जो मैंने आपको इस वीडियो में बताई है। अगर ये टिप्स और ये वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो यार इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए हेल्थ टिप्स को लेकर। तब तक के लिए बाय बाय, कीप स्माइल।